हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बालकनी के डेली अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, बहुत ही सुंदर गुलदावदी के फूल खिल गए हैं, थोड़ा थोड़ा खिलने शुरू हो गए हैं और कलर इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गुलदावदी के प्लांट बहुत सारी वैरायटियों में आते हैं और उनके कलर भी बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। अगर थोड़ी जगह ज़्यादा होती तो मैं बहुत सारे गुलदावदी के प्लांट लगाती। अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो ये खूब सारे पौधे लगाइए गुलदावदी के। इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और इसका फूल काफ़ी दिन तक भी चलता है और अलग अलग रंगों के आते हैं, अलग अलग वैरायटी आती हैं, तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो सभी प्लांट्स को देखते देखते जो भी पुराने फूल हैं वो भी मैं साथ के साथ ही तोड़ती जाती हूँ ताकि नए फूल आते रहें। तो गेंदे पर काफ़ी नए फूल आ रहे हैं लेकिन जो पुराने हैं वो काफ़ी दिन तक लगे रहते हैं गेंदे पर, तो उनको हमें तोड़ देना चाहिए ताकि नए फूल अच्छे आएँ, ज़्यादा आएँ। हाथ से पता चल जाता है जो पुराने फूल रहते हैं वो थोड़ा मुरझाए से हुए रहते हैं, तो उनको हमें तोड़ देना चाहिए। सुबह को सारे प्लांट्स को देखते जाओ और जो भी पुराना फूल हो उसको साथ के साथ ही तोड़ते जाओ। ये बहुत ही बढ़िया रहता है पिंचिंग करना। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी अगर हम रेगुलर पिंचिंग करते रहें, पुराने फूलों को तोड़ते रहें, तो पौधा घना भी होता है और फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से मैं डेली ही निकाल देती हूँ जो भी रहते हैं पुराने फूल। अभी ऊपर चढ़ जाती हूँ थोड़ा और आपको दिखाती हूँ ऊपर से, देखिए कितने सारे नए फूल आ रहे हैं इस पर। तो अभी इन पर सारी जो पूरा पौधे का जो ध्यान है वो इसी पर जाएगा, नए फूलों पर। पुराने फूलों में बेकार एनर्जी वेस्ट होती। और देखिए डायंथस भी इसमें कितने अच्छे से फूल दे रहा है। अभी पिटूनिया पर इसमें फूल नहीं आए हैं जो मैंने बड़ी बास्केट में एक साथ प्लांट लगाए हैं। ऊपर जो भी पिटूनिया के प्लांट लगे हैं उन सब में अच्छे फूल आने लगे हैं और तो इन सारे प्लांट में बिना फूल खिले हुए लाई थी तो कलर का मुझे पता नहीं था। अब जैसे जैसे इन पर फूल खिल रहे हैं तो मुझे इनके रंग के बारे में पता चल रहा है कि कौन से कलर का है। तो जो भी रह जाएंगे बाद में देखूंगी, एक आध फिर देख कर लाऊंगी, क्योंकि सफ़ेद बहुत अच्छा लगता है लाल के साथ। लाल कलर और सफ़ेद एक साथ लगा दो तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो फूल आने लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये पर्पल कलर का फूल आया है इस पर। तो देखिए दोस्तों, ये वही बीज से लगाया हुआ प्लांट है जीनिया का, जो एक हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है और इतना लंबा हो गया है कि बिल्कुल एक तरफ लटक गया है पूरा। और इस पर फूल आ रहे हैं, देखिए दो फूल तो अब एक साथ आए हैं और भी कलियां आ रही हैं। बहुत ही अच्छा रहता है जीनिया का प्लांट। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी लंबा इसमें से निकला है ये। और इसके साथ ही मैंने एक पिटूनिया का प्लांट भी लगा रखा है पिंक कलर का, और थोड़ी सी इसमें वेंडरिंग जू की भी कटिंग लगी हुई है। और ये छोटे वाली ब्लीडिंग हार्ट, सभी फूल इसके खिल चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में सब्जी, और कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं दिखा रही हूँ, बस बना रही हूँ अभी, तो हल्का सा आपको दिखा देती हूँ।